इनको आज अभी लाभ नहीं मिला है, रह गए हैं, ये मोदी की गारंटी है भविष्य में मिलेगा। इसलिए उनको जितना ज्यादा लाएंगे, जितनी जानकारी मिलेगी, और हम कुछ भी कहें, जिसको मिला है वो जब बोलता है ना तो दूसरे का भरोसा बढ़ जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जिन जिन लोगों को, किसी को गैस का कनेक्शन मिला होगा, किसी को बिजली का कनेक्शन मिला होगा, किसी को जल का कनेक्शन नल मिल गया होगा, किसी को घर मिल गया होगा, किसी को आयुष्मान कार्ड मिला होगा, किसी को मुद्रा योजना मिली होगी, किसी को स्वनिधि मिली होगी, किसी को बैंक से पैसा मिला होगा, किसी को बीमा का पैसा मिला होगा, बहुत सारे लाभ है। जब उसको पता चलता हमारे गांव में उसको मिला है तो उसको लगता है मैं भी रजिस्टर करवा देता हूं। और इसलिए जिसको मिला है वो ज्यादा आने चाहिए, वो आकर के बताने चाहिए कि देखो भाई ये योजना है मोदी की, इसका फायदा उठाओ। मुझे तो गांव से गरीब व्यक्ति तक, शहर की झुग्गी झोपड़ी तक सरकार के सभी लाभ पहुंचाने हैं और बिना मुश्किल को पहुंचाने हैं। और इसलिए ये गाड़ी चल पड़ी है, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है ना, वो आपके लिए है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, इस कार्यक्रम को सफल बनाए, और देश में 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, ये देश विकसित होके रहेगा, ये मिजाज पैदा करना है। हम सब कुछ अच्छा करेंगे और देश को अच्छा बनाएंगे, इस विचार को लेकर के चलना है। और ये वातावरण बनाने में ये यात्रा, ये गाड़ी, ये संकल्प बहुत काम आने वाला है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो लक्ष्य 2047 का होना चाहिए, जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा। और हर लाभार्थी को यहां उनसे बात की है, इसके साथ ही हर कार्यकर्ता को ये देखना है कि सरकार की योजनाएं हर जन तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। लाभार्थियों से यहां प्रधानमंत्री ने बात भी की है, जन जन में किस तरह का उत्साह बना हुआ है उसका भी जिक्र किया, लोगों को रोजगार मिला है, तमाम योजनाओं से बहुत लाभ मिला है, मदद पहुंची है। और जिन जिन लाभार्थियों से भी यहां बात करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने वो बातचीत भी सुनी। यात्रा को वर्चुअली हरी झंडी यहां प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को एक साथ वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई। तो सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, सरकार प्रतिबद्ध है हर एक उस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए, जिससे जन जन तक विकास पहुंचे, उन्हें लाभ पहुंचे। और रुक करें बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के पूर्व एमएलए ने मुलाकात की है केसी वेणुगोपाल से। विधायकों के टिकट काटे जाने पर चर्चा भी की है। निष्कासित नेता विनय जायसवाल का बयान सामने आया। वेणुगोपाल बोले, एआईसीसी का सर्वे नहीं होने दिया, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के रणनीतिकारों ने रुकवाया। तो विधायकों के टिकट काटे गए, इसको लेकर भी पहले नाराज पूर्व विधायकों ने अपने आक्रोश को जाहिर किया था। पार्टी ने हालांकि विनय जायसवाल को निष्कासित कर दिया, लेकिन केसी वेणुगोपाल से मिले और कहा कि तमाम एमएलएज ने, जो पूर्व एमएलएज हैं, उन्होंने मुलाकात की और विधायकों के टिकट काटे जाने से किस तरह से हार का सामना करना पड़ा उसको लेकर चर्चा हुई है। वेणुगोपाल जी से आज हमने पूरे पूर्व विधायकों के साथ एक डेलीगेशन मिला और उनसे छत्तीसगढ़ में जो करारी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है उसके संबंध में अपनी बातों को रखा, अपने बिंदु को रखा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जो दिल्ली का जो सर्वे थे, आईसीसी का सर्वे था, उसको ही वहाँ के जो रणनीतिकार थे उन्होंने नहीं होने दिया, ये वेणुगोपाल जी ने हम लोगों को बताया। और जो 22 विधायकों की टिकट काटी गई थी उनको सभी को बुला के सभी से एक एक कर चर्चा करने की, 1-on-1 करने की भी बात वेणुगोपाल जी ने कही है। और
एक विस्तृत जो रिपोर्ट है आज हम लोगों ने दी है, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करने का उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है। तो सुना आपने, छत्तीसगढ़ के रणनीतिकारों ने सर्वे AICC का नहीं होने दिया और 22 विधायकों के जो टिकट काटे गए उसको लेकर यहां चर्चा हुई कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और इस हार से जो हाहाकार मचा हुआ है उसके बाद लगातार हर कोई अपने अपने कारण गिना रहा है। ये 22 MLA जिनके टिकट काटे गए और अब इन्होंने अपनी तरफ से AICC के सामने ये कारण रखे हैं कि आखिरकार वो क्या वजह रही टिकट इनके कटे और इसकी वजह से बड़ी हार का सामना भी कांग्रेस को करना पड़ा, ये भी एक बड़ा कारण रहा। निष्कासित नेता विनय जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी कि किस तरह से KC वेणुगोपाल ने उनसे बातचीत के दौरान बताया कि AICC का सर्वे भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के रणनीतिकारों ने नहीं होने दिया। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर यहां पर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इससे पहले भी ये 22 पूर्व MLA इकट्ठा हुए थे, इन्होंने चाय पर चर्चा भी की थी, पार्टी ने एक्शन भी हालांकि दौरान लिया, लेकिन उसके बाद आज मुलाकात में तमाम चीजों को इनकी तरफ से रखा गया है कि किस तरह सिटिंग MLAs की टिकट काटने की वजह से भी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वो भी एक कारण रहा। तो कांग्रेस में नहीं थम रहा हार के बाद भी कलेश, पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने चिट्ठी लिखी है कुमारी सेलजा और दीपक बैज को चिट्ठी लिखी, लिखा जो हार के कारणों के लिए जिम्मेदार उन्हीं के साथ चुपचाप मीटिंग कर ली गई, नेता प्रतिपक्ष चयन की औपचारिकता भी आप लोगों ने पूरी कर ली, दिल्ली के नेताओं के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन का हब और मौज मस्ती का केंद्र बन गया है। ये चिट्ठी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। हार के बाद अब कांग्रेस में कलेश थमता नजर नहीं आ रहा है, कुमारी सेलजा और दीपक बैज को चंद्रशेखर शुक्ला ने चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि दिल्ली के नेताओं के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन का हब और मौज मस्ती का केंद्र बन गया है। हार के कारणों की समीक्षा नहीं की गई बल्कि जो लोग हार के लिए जिम्मेदार थे उन्हीं से बातचीत कर ली गई। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार पर दिल्ली तक मंथन किया गया। इस बीच विधायक नितेंद्र सिंह राठौर का बयान सामने आया है। नितेंद्र सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि पार्टी नए और युवा चेहरों को मौका देगी, वरिष्ठ और युवाओं के बीच तालमेल होना चाहिए, 18 दिसंबर से शुरू हो रहे सत्र के लिए कांग्रेस तैयार है, बीजेपी के किए गए वादों पर नजर रखेंगे। एक्साइटेड है कि 18 तारीख को जो सत्र शुरू हो रहा है तो हम सबको भी इंतजार है और क्योंकि पहली बार मैं भी विधायक बना हूं तो हम सब भी देखना चाहते हैं। काफ़ी मेरे स्वर्गीय पिताजी जिनका अनुभव काफ़ी लंबा रहा राजनीति में, लेकिन मेरी शुरुआत है तो मेरा प्रयास यही है कि जनता की सेवा, जो हमने रास्ता चुना है उसमें कोई कमी ना हो और उसमें आगे निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक वरिष्ठ और नौजवानों का एक संतुलित तालमेल देखने को मुझे लगता है आगे संगठन में हम सबको मिलेगा और मुझे भी उम्मीद है कि नौजवान साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी मौका दे जिससे हम सब भी अपने क्षेत्र में काम करके दिखा सके। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 3 IPS अधिकारियों की तस्वीर वायरल हुई है, RSS ऑफिस पहुंचने की तस्वीर वायरल हुई, ADG विवेकानंद सिन्हा, DIG RN दास, DIG KR ध्रुव, जागृति मंडल पहुंचे थे। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं सुशील आनंद शुक्ला का बयान, ये बेहद आपत्तिजनक है। सुशील आनंद ने कहा इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 IPS अधिकारियों की तस्वीरें वायरल हुई है। ये कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का RSS मुख्यालय जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। RSS भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है और वहां पे पुलिस के अधिकारी क्यों गए, किस कारण से गए, कुछ अधिकारियों के फोटो भी RSS मुख्यालय में बैठे हुए सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए बेहद ही घातक है कि वरिष्ठ अधिकारी किसी दल विशेष के कार्यालय में जाके बैठ के हाजिरी लगा रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग करती है।
अगली बड़ी खबर भी रायपुर से है, जहां कलेक्टर पर भड़के हैं बीजेपी विधायक। सीएम के कार्यक्रम की जानकारी नहीं मिलने पर भड़के हैं बीजेपी के विधायक। विधायक राजेश मूणत कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे पर भड़के। कलेक्टर ने नहीं दी विधायकों को जानकारी, आयोजन स्थल पर पहुंचकर फटकार लगाई है और कहा कि कांग्रेस शासनकाल से जो रवैया आपका चलता आ रहा है उसे सुधार लें। विधायक राजेश मूणत कलेक्टर पर भड़के हैं, कहा सीएम के कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई, आयोजन स्थल पर पहुंचकर फटकार लगाई। विधायक राजेश मूणत कलेक्टर पर भड़के, सीएम के कार्यक्रम की जानकारी नहीं देने की वजह से यहां पर ये गुस्सा देखने को मिला है। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे पर भड़के और ये कहा कि जो रवैया आपका चलता आ रहा है कांग्रेस की सरकार के समय से, उस रवैये को ठीक कर ले। वहीं राजनीतिक नियुक्तियां रद्द करने के मामले में सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। आरडीए उपाध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर की नियुक्ति को रद्द किया गया है। सतीश जग्गी सूर्यमणि मिश्रा की नियुक्ति को रद्द किया गया है। ममता राय मुकेश साहू की नियुक्ति रद्द, चंद्रमाणी साहू की नियुक्ति भी रद्द की गई है। तो राजनीतिक नियुक्तियां रद्द करने का मामला, सरकार ने इस मामले में आदेश जारी कर दिए हैं। आरडीए उपाध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर की नियुक्ति को रद्द किया गया है। सतीश जग्गी सूर्यमणि मिश्रा की नियुक्ति रद्द की गई है। ममता राय मुकेश साहू की नियुक्ति रद्द की गई है। चंद्रमणि साहू की नियुक्ति को भी रद्द किया गया है। बड़ी खबर, ममता लांजेवार हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही है। ममता, क्या है पूरी जानकारी? लेकर है वो राज्य शासन ने आदेश जारी किया था, यानी कि कांग्रेस सरकार के समय जिनकी नियुक्तियां होगी हुई है वो रद्द की जाएंगी। और उसके बाद में कहना था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आज जो है वो राज्य शासन ने आदेश जारी किया है। और कांग्रेस के समय भी जो नियुक्तियां की गई थी जिसमें आरडीए के दो उपाध्यक्ष जो है शिव सिंह मिश्रा उनका है, इसके साथ तो ममता से वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सरकार ने फिलहाल ये आदेश जारी कर दिए, ममता ये जानकारी दे रही थी। और सीधे अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश में, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस समय रोड शो निकाल रहे हैं। उनका ये रोड शो चल रहा है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और किस तरह से जनता उनके अभिवादन के लिए वहां सड़क पर इकट्ठा है, वो भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उनका ये रोड शो इस समय भोपाल में निकाला जा रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, समर्थक भी हैं। उज्जैन में ये रोड शो निकाला जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से ही आते हैं और ऐसे में यहां पर जो क्षेत्र की जनता है उनको देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, देखिए फूल मालाएं भी उनकी तरफ की जा रही हैं, उनका स्वागत अभिनंदन भी यहां पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए हैं, पोस्टर भी हाथ में हैं, बैनर्स भी हैं और खुशी यहां पर समर्थकों की देखते ही बन रही है। उनके क्षेत्र से ही आते हैं सीएम और ऐसे में यहां काफी हर्षोल्लास समर्थकों के बीच देखने को मिल रहा है। तो ये रोड शो उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, बड़ी संख्या में देखिए समर्थकों को भी कंट्रोल करने की पुलिस यहां पर कोशिश कर रही है ताकि भीड़ जो है वो नियंत्रण में रहे। सभी आसपास है यहां पर, बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए हैं और लगातार उन समर्थकों को, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी यहां पर मशक्कत करते दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी। उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक बने और फिर विधायक दल की बैठक में विधायकों के नेता के तौर पर चयन हुआ, प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और ऐसे में उज्जैन वासियों का जो जोश है, जो हर्ष है उनमें, वो देखते ही बन रहा है।
भोपाल से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां जल्द होगा मोहन कैबिनेट का गठन। पहले चरण में 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नए चेहरों को मिल सकती है तरजीह, कुछ पुराने चेहरों को भी फिर मौका मिल सकता है। कल दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में रहेंगे। 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल होंगे, तो जल्द ही मोहन कैबिनेट का गठन हो जाएगा। पहले फेज में 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नए चेहरों को तरजीह मिल सकती है, कुछ पुराने चेहरों को फिर मौका मिल सकता है। वहीं कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली भी जाएंगे, जहां पर संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। और अब 2 से 3 दौर की बैठक के बाद ये नाम फाइनल कर लिए जाएंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं, नए चेहरों को तरजीह मिल सकती है, और साथ ही कुछ अनुभवी पुराने चेहरों को भी जगह दी जा सकती है। कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल पर कल होगा भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 17 दिसंबर को कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल में होगी रोमांचक गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगी शाम। 17 से 22 दिसंबर तक कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का होगा प्रथम संस्करण आयोजित। टूरिस्टों के लिए टेंट सिटी को भी तैयार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल भव्य आयोजन होगा कूनो फेस्टिवल का, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल में रोमांचक गतिविधियां रहेंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 17 से 22 तारीख तक चलेगा, कल इसका भव्य आयोजन शुरू होने जा रहा है। टूरिस्ट के लिए यहां पर टेंट सिटी भी तैयार की गई है। तो कूनो फेस्टिवल पर कल भव्य आयोजन किया जाएगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।